नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो तैयार हो क्रांति क्रांति खेलने के लिए, आंदोलन करने के लिए? ऐसा ही सब कह रहे हैं ना, सभी टीचर्स आके और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आकर के यही कह रहे हैं ना, क्रांति करना है, आंदोलन करना है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है, बात सही है, बात सही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं भी छात्र हूँ, मैं जानता हूँ 4 साल से 5 साल से क्या हो रहा है और इससे पहले भी क्या होता था, वो सब जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भी छात्र हूँ इसलिए सब कुछ, आपकी सारी तकलीफें समझता हूँ। गांव के एक छोटे से कमरे में बैठ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जानता हूँ कि गांव के मेरे आस पड़ोस में और बाकी लोगों की क्या स्थिति होती है, वो सब मैं जानता हूँ। और मेरी खुद की स्थिति है, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या स्थिति चल रही है। बहुत बुरी स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मैं भी इसके फेवर में हूँ, आपको सरकार के खिलाफ़ बोलना चाहिए, SSC के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, IBPS के खिलाफ, जिसके भी खिलाफ बोलना हो बोलिए, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, जिसके खिलाफ बोलना है बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। इससे पहले भी मैं वीडियो डाला था, मैंने केवल इतना बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप लोग इस्तेमाल मत हो, आप लोगों का इस्तेमाल ना हो, बस मेरी इतनी ही इच्छा है और इतना ही मेरा उद्देश्य है, और इसीलिए मैं वीडियो अभी भी बना रहा हूँ, आप लोगों का इस्तेमाल ना हो। पिछली बार भी हुआ था, SSC का आंदोलन हुआ था 2018 में, मैं था उसमें, हम लोग गए थे पटना में, दिल्ली नहीं जा पाया था मैं, लेकिन पटना गया था मैं, पटना गया था सुबह सबसे पहले, 11 बजे बुलाया गया था, सुबह 6 बजे मैं पटना पहुंच चुका था और सबसे पहले सारा पोस्टर बैनर बना करके तैयार था, वहीं पर बैठ करके मार्कर खरीदा, पोस्टर खरीदा, बड़ा बड़ा पेपर खरीदा, पोस्टर बना बना करके तैयार था मैं, टोटल मैं तैयारी किया, सबसे पहले पहुंचा था। लेकिन हुआ क्या, 11 बजे से आंदोलन चालू हुआ, बस 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सबसे पीछे चले गए, सबसे पीछे हम लोगों को भेज दिया गया, 1 घंटा तक हम लोगों ने बोल मतलब वो बैनर वैनर लेकर के वो किया, उसके बाद जो है तुरंत मीडिया को भेज दिया गया और छात्र संगठन लोग आ गए और वो लोग जो है हाईजैक कर लिए हम लोगों का प्रोटेस्ट, और उसके बाद फिर राजनीति वहाँ शुरू हो गई। तो यही होता है और यही इस बार भी होगा, ये बात आप जान लीजिए। आपको प्रोटेस्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको सड़क पर उतरना है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा औकात ही क्या है कि मैं आपको रोकूं, मेरा औकात ही क्या है कि मैं आपको रोकूं, लेकिन सिर्फ इतना सावधान करना चाहता हूं कि जो आपके परम हितैषी टीचर्स आज के डेट में आपकी वकालत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और लोगों को सड़क पर उतर जाना चाहिए, देश चला देना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, उनसे एक बार जो है ना लिखवा जरूर लीजिएगा कि कोरोना काल के बाद जब कोचिंग खुलेगा ना तो वो अपनी फीस आधी कर देंगे, अपना जो शुल्क लेते हैं उसको आधा कर देंगे, लाखों रुपए लेकर के और आपको घंटा कुछ नहीं पढ़ाते हैं वो, और आपको आज के रेट में उकसा रहे हैं कि आंदोलन करो और ये करो वो करो। बात उनकी सही है, नो डाउट, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बेरोजगारी है और बहुत बेरोजगारी है, नौकरियाँ नहीं आ रही हैं, ये सच है, लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल माध्यम से अपना रोष जता सकते हो, आप सड़क पर उतर के गुंडागर्दी करोगे, छात्र हो आपकी गुंडागर्दी करना आपका काम है, गुंडागर्दी मत करना। और अभी तो खैर प्रदर्शन करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अभी सड़क पर उतरोगे बेकार मतलब का पॉजिटिव हो जाओगे, कोरोना पॉजिटिव, और उसके बाद दिक्कत आप ही को होने वाली है, कोई टीचर फिर मदद करने नहीं आएगा आपकी, ये बात जान लो, मैं अभी कह रहा हूँ और ये सच है, आप देख लेना, कोई टीचर मदद करने नहीं आएगा आपकी, समझे। जब वहाँ दिल्ली में लोग रात रात भर बैठे रहते थे, वहाँ पर कौन टीचर जाता था, कोई नहीं जाता था, रात में चोरी छुपके जो है ना एक दो टीचर जाते थे और अपने वॉलेंटियर्स के साथ जाते थे, किसी से बात बात भी नहीं करते थे, माइक पर आकर के केवल भाषण झाड़ के चले जाते थे और किसी का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब आकर के अपना अपना कोचिंग चमका करके चले गए, सब लोग कोचिंग चमका करके चले गए और सब लोगों के घर में पैसा पहुँच गया, काम खत्म, आंदोलन समाप्त। एक दो लड़का था राजू और क्या क्या कौन कौन था, जा करके बाद में बात कर लेता था अंदर जा के, और उसके बाद वो भी जो है गायब हो जाता था, क्या क्या पता नहीं डीलिंग करके आ जाता था, तो वो सब देख चुका हूँ मैं, भुक्त भोगी हूँ भाई, भुक्त भोगी हूँ, 4 साल से मैं भी हूँ ना
इसी तैयारी में बहुत सारे रिजल्ट्स आए, ठीक है मुझे नहीं करनी नौकरी ये एसएससी और रेलवे की, मैंने तो छोड़ ही दिया, मैं तो गुस्सा होकर के मैंने छोड़ दिया एसएससी रेलवे का तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी करने लगा, तो मैं तो छोड़ दिया तैयारी करना इसी कारण से। तो आपके पास भी विकल्प है ना, ऐसा थोड़ी है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या जीवन नहीं चलेगा, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारे विकल्प हैं, एक केवल सरकारी नौकरी ही विकल्प नहीं होता है। आप तैयारी तो करो, अपने करेजा पर हाथ रख के बोलिए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, कितने लोग तैयार हो आप लोग, कितने लोग तैयार हो? 10% से ज़्यादा लोग तैयार नहीं होंगे आज के डेट में, अगर परीक्षा हो जाए 10% से ज़्यादा लोग तैयार नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अपने करेजा पर हाथ रख के बोलिए कि हाँ आज के डेट में परीक्षा हो जाए और आपकी तैयारी पूरी है, नहीं होगी। मैं जानता हूँ ना, मैं भी दिन रात छात्रों के साथ ही रहता हूँ, मैं खुद भी छात्र हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो आकर्षक आपको बोर्ड दिखाए जाते हैं, वो आकर्षक कोचिंग्स बनाई जाती है, एसी लगाई जाती है और ये लगाई जाती है, वो लगाई जाती है, तो उसके चक्कर में आप लोग पढ़ करके लाखों रुपये बर्बाद करते हो। वो मैं भी देखता हूँ ना, मैं भी देखता हूँ दिल्ली और मुखर्जी नगर में क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जानता हूँ मैं। जो हाल राजस्थान के कोटा का है ना, वही हाल जो है आपका दिल्ली के मुखर्जी नगर का हो गया है। पहले होते थे वहाँ से बहुत सारे छात्र निकलते थे, अब देखता हूँ मैं कि क्या स्थिति होती है। 80-90% लोग जो होते हैं ना, केवल चाय सुट्टा में ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और ये नोट्स वो नोट्स वो नोट्स, और ये कोचिंग वो कोचिंग में, वो सब मैं देखता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, आपका रोष जायज़ है, आपका गुस्सा जायज़ है, मुझे भी गुस्सा है, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी गुस्सा, लेकिन क्यों उतरना रोड पर, क्यों उतरना मुझे ये पता नहीं चल रहा है। ये आ रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, ये क्या बोलते हैं आपका खान जीएस सेंटर कुछ है, उनको देख रहा हूँ मैं पिछले 2-3 महीने से, वो वीडियो बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर आकर के, क्या पढ़ा रहे हैं जरा बताइए मुझे, क्या पढ़ा रहे हैं लोगों को? रेलवे लाइन के बीच में वो जो रेड लाइट जला होता है वो क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या? आपसे ये पूछा जाता है क्या कि जब ये सुनामी में जहाज़ फंस जाएगा तो उसका क्या होगा, ये पूछा जाता है क्या आपके एग्ज़ाम में? ये सब आकर के बता रहे हैं वो, ये सब आकर के बता रहे हैं वो। 3 महीने छात्रों को पढ़ा नहीं सकते थे, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो आकर के छात्रों को पढ़ा नहीं सकते थे, उनकी तैयारी नहीं करवा सकते थे, तो वो नहीं हुआ उनसे, उसमें उनको व्यू चाहिए, इसलिए वो ज्वलंत टॉपिक्स लेकर के आ जाएंगे जो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाने वाले, तो ये नहीं हुआ उनसे। और आज के डेट में छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। अभिनव शर्मा तनिका कमाया है पैसा, किसका पैसा कमाया है? आप ही से कमाया है ना, और क्या करके कमाया है? 50 रुपये का बुक छापने में लगता है 50 रुपया, और वो 50 रुपया का बुक वो 300-350 रुपये में बेच रहा है और उसका रॉयल्टी कमा रहा है, क्यों नहीं? अगर इतना आपसे हमदर्दी है उसको, तो क्यों नहीं उस बुक को 100-125 रुपये में कर देता है, क्यों नहीं कर देता है जरा मुझे ये बताइए। कोरोना के बाद वादा करता है वो अभिनय शर्मा और बाकी जो टीचर्स हैं जो हल्ला इतना कर रहे हैं, क्या वो वादा करते हैं कि हाँ वो अपनी फ़ी आधी कर देंगे? कमा तो वो लाखों रहे हैं, करोड़ों रहे हैं, ज़रूरत तो इंसान को लाख रुपए की होती है, लाख रुपया महीना भी आज के डेट में इंसान कमा रहा है तो बहुत है। तो अगर गरीबों से इतनी हमदर्दी है तो बाकी कहें कि हाँ लाख रुपया महीना हम रखेंगे और बाकी सब जो है छात्रों को हम फ्री में पढ़ाएंगे या फिर गरीब छात्रों को कम पैसा में पढ़ाएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे हमदर्दी नहीं है, उनको अपने पैसे चाहिए, पैसे से हमदर्दी है। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलो, अब मैं नहीं कहता कि आप मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, बोलो जितना बोलना है बोलो, लोकतंत्र है भाई, आपको अपना हक मांगने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका, कोई नहीं रोक सकता आपको बोलने से। आपको व्यक्ति क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19A के तहत, आप बोलो जितना बोलना है बोलो, लेकिन किसी के झांसे में मत आओ, अपना अकल लगाओ, मेंटोस खाओ, अपना अकल लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, किसी के भी भड़कावे में मत आओ, बहकावे में मत आओ, कोई आपका अपना नहीं है, ये बात जान लो। आज के डेट में ना सब बोलेंगे मैं आपका अपना हूँ और मेरे साथ चलो और ये करो वो करो, कोई आपका अपना नहीं है, ये बात जान लो, कोई आपका अपना नहीं है। कितने परसेंट के रिजल्ट आते हैं वो आप भी जा करके देख सकते हो, और जिसका रिजल्ट आता है ना उसका अपने मेहनत से आता है, अपने मेहनत से आता है।
टीचर मार्गदर्शन जरूर करता है, लेकिन आज के डेट में टीचर है कौन? आज के डेट में टीचर है कहाँ? टीचर तो आने ही बंद हो गए। गुरु जो है ना, गुरु जिसको वास्तविक गुरु कहते हैं, उसको तो मतलब ही नहीं होता पैसे से। गुरु गुरु जी गुरु जी गुरु जी बोलते चलते हो आप, कितना पैसा ईंटते हैं, कितना ठगते हैं आपसे, आपको पता है? दरोगा का बैच आ गया तो दरोगा का टारगेट बैच, ग्रुप डी का बैच आ गया तो ग्रुप डी का टारगेट बैच, लाख रुपया झींट लिए। एसएससी का आ गया तो एसएससी का टारगेट बैच दे दिए, लाख रुपया उससे झींट लिए। हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टारगेट बैच होता है क्या? जीएस क्या हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होता है क्या? एसएससी का सेट अलग, रेलवे का सेट अलग, आपका पीसीएस का सेट अलग। अरे भाई, जीएस तो वही है, तो ये सेट क्या है? और हर सेट जो है आपका 5,000, 10,000, 15,000 का, ये होता क्या है? ऐंठने का काम करते हैं, पैसा ऐंठने का आप लोग काम करते हैं, और उसके बाद अभी आकर के आप लोग छात्रों को भड़का रहे हैं। पहले खुद सुधरिए, तब व्यवस्था को सुधारिए। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो पहले हम तो सुधरें फिर तो जग सुधरेगा। अपना आईना देखते नहीं है, आईना देखते नहीं हो गया भैया? हाँ, अपना आईना तो देख लो कि आपके चेहरे पर कितने दाग हैं, उसके बाद जो है ना आईना का धूल साफ करो और खुद का चेहरा देखो, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अपनी कमजोरी पहले देखो और उसको सुधारो। आपने चुना था ना सरकार को, सरकार मतलब आपसे ठीक है, आपको हाथ जोड़ करके बोलने आई कि भैया मुझको वोट दो, ठीक है, आप ही ने चुना ना, क्यों चुना था? और चुना था तो आपको सवाल पूछने का हक है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको, आपके पास माध्यम है, दूसरा माध्यम है, उसका इस्तेमाल करो, डिजिटल मीडिया का जितना इस्तेमाल करना है करो। लेकिन ये टीचर्स जो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि रोड पर उतर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो मत करो, रोड पर मत उतरो, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, डंडा खाओगे सो अलग। और ये टीचर्स तो क्या है, अपना एसी कमरा में बैठ करके, आलीशान फ्लैट्स में बैठ करके, और बाकी बहुत सारे टीचर्स ने तो फार्म हाउस और क्या क्या पता नहीं ले रखा है, और वहाँ पर बैठ करके एसी में फर्स्ट क्लास, और उसके बाद जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपको भेज देंगे वहाँ पर धूप में मरने के लिए, आपको भेज देंगे वहाँ धूप में मरने के लिए, रात में जलने के लिए, ठीक है, और डंडा खाओगे पुलिस का सो अलग, और उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप 24 तक तो मोदी जी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, 24 तक तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और 24 में भी क्या कर लोगे, विकल्प क्या है आपके पास? और मैं ये नहीं कहता कि आप खिलाफ मत बोलो, किसी के भी खिलाफ बोलने का हक है, बोलना चाहिए, मैं भी बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुझे भी हो रही है, बाकी सब छात्रों को हो रही है। आप नौकरी नहीं लेते हो, नौकरी देते नहीं हो, आप पैसा ठग लेते हो। मेरा खुद का एनटीपीसी में दो दो बार का फॉर्म भरा हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपका इसका बिहार का आपका क्या बोलते हैं, दरोगा वाला एग्ज़ाम जो पहले वाला था आपका, ट्रैफिक वाला, वो भी नहीं हुआ है। सब में पैसा दिया हुआ है, मेरा खुद का टीईटी का फॉर्म भरा हुआ है, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत सारा मैंने भी भरा हुआ है, तो मेरा भी पैसा बर्बाद हुआ है, तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ नहीं गया है, बहुत सारा गया है। उससे ज़्यादा तो टाइम बर्बाद होता है कि आज इस परीक्षा की तैयारी कर लो और पता चला कि परीक्षा ही नहीं होगी, तो सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। ये समस्या सबके साथ है, सबके साथ है, मेरे साथ भी है, तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, आपसे ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा। मेरे पास तो लिखने की भी ताकत है, बोलने की भी ताकत है, हर तरीके से बोलूँगा, लेकिन आपकी तरह वो भड़क दूसरे के बहकावे में आकर के नहीं बोलूँगा, अपना दिमाग लगा के बोलूँगा, अपना दिमाग लगा के। दूसरे के बहकावे में आ गए, जिसने जो कहा, मतलब आप कोई जानवर हो क्या कि जिधर हाँक दिए उधर चल दिए? टीचर ने हाँक दिया, बस चल दिए। आप क्या बंदर हो कि मदारी है टीचर आपके, जो मदारी बन करके और आपका जिधर हाँक दिए उधर चल दिए और नाचने लग गए? ये कोई तरीका नहीं होता है, बात करने का एक तरीका होता है। यही टीचर जा करके बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे,
बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उस समय भी जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, बात हुई थी कि कुछ टीचर्स जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करके और उसके बाद जा करके सरकार से बात करें, तो उस समय नहीं जाएंगे, उस समय आगे नहीं आएंगे। आपके कंधे पर रख के ये बंदूक चलाना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते। आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और उसके बाद जो है निशाना सही लगे गलत रहेंगे उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब सामने से गोली आएगी तो आपका सीना आगे होगा, यही होगा। और मैं आपको हतोत्साहित भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप विरोध मत करो, गुस्सा जायज़ है और करना भी चाहिए, लेकिन सब चीज़ का एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है। आप PIL डालो ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के PIL डालो। है कोई टीचर है जो खर्चा देने को तैयार हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के PIL डालो। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में टांग आती है आज के डेट में, आपके मामले में क्यों नहीं सुनेगी? सरकार को निर्देश देगी, सरकार के बाप की औकात नहीं होगी कि आपकी ना सुने। जाकर के दो PIL, हर मामले पर सुनवाई होती है ना, रैपिड होता है ना कार्रवाई, पैरवी लगवाओ। इतनी पहुंच है आपके टीचर्स की, पैरवी लगवाओ। रोड पर उतर करके हंगामा करने से केवल होता है कुछ नहीं होगा, लाठी खाओगे और घर आओगे सर पुरवा करके। और घर आओगे ना तो पापा मम्मी मारेंगे सो अलग, ये भी देख लेना। टीचर्स का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, उनका तो धंधा है, उनका तो धंधा है। वो तो देख रहे हैं कि हमारा आमदनी बंद है पिछले 6 महीने से, और अब लड़के तो आएंगे नहीं क्योंकि जॉब ही नहीं आ रहा, तो लड़के आएंगे कहाँ से? तो उनका तो आना, माल आना बंद हो गया है, और खर्चा तो उनका रुकता नहीं है। आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं, सबका लोन भरना होता है, आलीशान गाड़ियों पर चलते हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं उनके साथ, बहुत सारा खर्चा करना है, फ्लाइट में उड़ना है, और मतलब फार्म हाउस का खर्चा चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, उनको तो बहुत खर्चा है, तो उनको तो दिक्कत हो रही है, ज़रूर हो रही है। और जो छोटे मोटे टीचर्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गांव के मजबूर लड़कों को बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हैं। गांव देहात से लड़के आते हैं, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर से आते हैं, बच्चे बच्चियां आती हैं, लड़कियां तक आती हैं, और उनको आकर के क्या किया जाता है, यहाँ पे ठगा जाता है। हर चीज़ के लिए नया बैच, हर चीज़ के लिए नया बैच। GS एक ही होता है, मैथ एक ही होता है, रीजनिंग एक ही होता है, तो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कैसे बैच हो जाता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। और हर बैच में वही क्वेश्चन लिखवा दिया जाता है, 100, 150, 200 का बैच होता है, उसमें एक या दो अपने उससे पास हो गया तो हो गया, बस बैच सफल हो गया भैया, अगला बैच फिर चालू कर दो। और एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है तो आप बार बार टारगेट बैच दे कैसे रहे हो, ये बता दो। तो खुद का नहीं देखोगे कि आप कितना लूट रहे हो, केवल गवर्नमेंट का देखोगे। सबसे बड़ा घोटाला तो आप लोग करते हो, सबसे बड़ा घोटाला आप लोग करते हो। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं तो टीचर नहीं हूँ ना, मैं छात्र हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना घोटाला आप लोग करते हो, मैं जानता हूँ। पूरा घूम के आया हूँ ना, पटना पूरा घूम के आया हूँ, देखा हूँ रहमान सर के यहाँ, मैं भी पढ़ के आया हूँ रहमान सर के यहाँ, कितने तैयारी कराते हैं दरोगा का, और लिखते हैं कि SP बनो और वो बनो, UPSC और PCS का तैयारी कराते हैं वो, हाँ नॉलेज है, लेकिन 2 घंटे के बैच में क्या करते हैं, 1 घंटा तो वो भाषण देते हैं खाली BJP पर, और उस पर भाषण देते हैं खाली, राजनीति करते हैं। और उनको भारत रत्न चाहिए, भारत रत्न, जा करके 4 महीना बैठ करके वहाँ पर पढ़ करके वापस आ गए हम, क्योंकि एक टीचर मात्र सुनील सर के अलावा बाकी कोई टीचर वहाँ पे पढ़ाने लायक नहीं था। UPSC का तैयारी, अब फी कितना लिए थे, 7,000 रुपया लिए, 1 पैसा लौटाए भी नहीं मेरा। और बात करते हैं, दरोगा का तैयारी कराते हैं और UPSC PCS लिखते हैं अपने बोर्ड पर, ऐसे ऐसे तो टीचर हैं, और उनका नाम सुनो रहमान सर, ओ माई गॉड। सब धंधा होता है पटना में, सारा मैं देख कर आया हूँ, सारा धंधा होता है। और जब पटना में इतना बड़ा धंधा होता है तो दिल्ली में कितना बड़ा धंधा होता होगा वो आप सोच लीजिए। सब धंधा होता है, पढ़ाई को तो धंधा बना करके छोड़े हुए हैं टीचर लोग, यही सो कॉल्ड आपके टीचर लोग। सब के बारे में नहीं कह सकता हूँ मैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये सब जो आप देख रहे हैं ना, जो आ करके भाषण दे रहे हैं, वो कभी अच्छे टीचर्स नहीं हो सकते, ये बात जान लीजिए। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, आपको भड़काने के लिए आ रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहे। जो अच्छे टीचर्स हैं ना, अभी भी मोटिवेट करेंगे आपको, अभी भी पढ़ने के लिए कहेंगे आपको,
अभी भी पढ़ने के लिए कहेंगे आपको, क्योंकि आप पढ़ लोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। केवल ये सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी नहीं होती है, ये बात कब समझोगे आप? खुद को तो पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आप वेब सीरीज में मगन रहोगे, ध्यान नहीं दोगे और इधर उधर देखते रहोगे, इधर उधर मस्ती में रहोगे और उसके बाद व्यवस्था पर दोष लगाओगे। मतलब एकदम बैल बुद्धि हो गया, जड़ बुद्धि हो का भाई, हैं जड़ बुद्धि हो का। भगवान दूगो हाथ दिए हैं, दूगो पैर दिए हैं का सरकारी नौकरी करने के लिए दिए हैं कि जाओ सरकारी नौकरी कर लेना? अरे होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। सरकारी नौकरी सबको का सरकारी नौकरी हो जाता है, सरकारी नौकरी जिसको नहीं होता है वो जिंदा नहीं रहता है का। तो काहे के लिए ऐसा परेशान हो रहे हो? इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है टेंशन है मानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, लेकिन लिमिट में करना है, अपना लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए करना है। वो जो बोल रहे हैं ना जी खान जीएस वाले का, मैंने देखा वो कि राजपूतों जागो राजस्थान के, तो मराठों जागो शिवाजी के बच्चों जागो महाराष्ट्र के, तो हरियाणा के जाट जागो। अरे भाई ये क्या है? और ये बोल रहे हैं कि तलवारों के दम पर ये लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है और ये लिखा क्या है यार? छात्र हैं हम कि तलवार लेकर के खून का खेल होली खेलने आए हैं? क्या करने आए हैं हम? कल के डेट में कुछ होगा तो वही सरकार हमारी मदद करेगी ना, वही सरकार के पास हम जाएंगे ना। और किसको चुनोगे 2024 में भी, किसको चुनोगे बता दो मुझे, विकल्प बता दो कोई है? इसी टीचर्स में इसी टीचर में से किसी को बोलो ना कि है हिम्मत तो आ जाए सामने लड़ने आ जाए। कोई है, कोई युवा है जो आ जाए राजनीति में कि हाँ भाई हम गंदगी साफ करेंगे? आए थे ना केजरीवाल जी, आए थे ना, वो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके आए थे और आज के डेट में देख लीजिए कि उन्हीं का जो है पार्षद जो है दिल्ली में दंगा करवा रहा है और कितना आरोप लगता है, देख लीजिए क्या हो रहा है दिल्ली में। तो देख रहे हैं ना, वो भी आम आदमी बन के आए थे और आज के डेट में कैसे खास बने हुए हैं बच्चों का झूठा कसम खा के। तो देख लीजिए ना, राजनीति गंदी नाली है भैया, कोयले का खान है, उसमें जो जाएगा ना वो गंदा होगा ही होगा। तो कोई कम गंदा होता है, कोई ज़्यादा गंदा होता है, तो सब तो गंदा ही है। गंदा है क्योंकि धंधा है और धंधा है क्योंकि गंदा है, तो हर चीज़ में तो लोगों ने धंधा बना रख के रखा हुआ है। तो किसके खिलाफ रहें और किसके साथ रहें? न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल रहो, अपना हक का आवाज़ भी उठाएंगे और किसी का साथ भी नहीं लेंगे। हमारा अपना जो ताकत है ना, युवाओं की ताकत, अपने स्टूडेंट्स की ताकत, वही बहुत है। किसी टीचर का साथ नहीं चाहिए। आपको जागना है तो खुद जागो ना, खुद अपने अंदर से जागो। किसी और के जगाने पर जागने का क्या फ़ायदा भैया, हैं? किसी और के जगाने पर जागने का क्या फ़ायदा? बेहोश थे का? एनेस्थीसिया देकर के कोई सुलाए हुए था आपको, हैं? कि मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है कि जूता सूंघा देंगे तो जाग जाओगे, हैं? ये कौन बात हुआ भाई? अपने अंदर से जागृति लाओ। किसी और के जगाने पर जागोगे तो वो जागने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। ये तो जानवर वाला बात हो गया, जानवर वाला बात हो गया। आप इंसान हो, भगवान ने बुद्धि दिया है, इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो। चलो ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, मेरा बात लोग सुनेगा नहीं, ये भी हमको पता है कि मेरा बात लोग नहीं सुनेगा। हम तो ठहरे छोटे मोटे छात्र, थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं स्टूडेंट्स की, उससे ज़्यादा मेरा औकात थोड़ी है। हम कोई टीचर थोड़ी हैं, हैं? छात्र हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं छात्र होने के नाते। ना कोई हम नेता हैं, ना किसी पार्टी से मेरा कोई संपर्क है, कुछ नहीं। हम तो छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो हम जानते हैं और पहले भोग चुके हैं ये चीज़ कि ये राजनीति किस तरह का होता है। तो आप लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो इसलिए आपको बता रहे हैं। बाकी समस्या किसके लाइफ में नहीं होता है? तो क्या आत्महत्या करने चल दोगे? ये सब गलत चीज़ है भाई, ये सब गलत चीज़ है, मत करो ऐसा। हम इतना कहेंगे कि विरोध करो, सरकार के खिलाफ बोलो। आप खुद आगे आकर के क्यों नहीं बोलते? टीचर लोगों का हम सुन रहे हैं, छात्र आगे आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके मुंह में का दही जमा हुआ है, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास।
वही टीचर से बोलो ना कि हाँ भैया हम भी सामने से जा कर के बोलेंगे, आप अपना तकलीफ सुनाओ ना, आप अपना तकलीफ सुनाओ सरकार को, मोदी जी को सुनाओ। इतना ज़्यादा चिट्ठी लिख दो कि साला पीएमओ का पूरा पूरा कमरा भर जाए, इतना ज़्यादा ट्वीट कर दो मोदी जी को कि भैया मोदी जी जो है पागल हो जाए पढ़ते पढ़ते, और उनको समझ में आ जाए कि क्या होता है। डिजिटल क्रांति लाओ, डिजिटल क्रांति लाओ। सुशांत सिंह राजपूत के मामला में ट्रेंड करवा दिए ना, हाँ आज के डेट में पिछला 70 दिन से सारा मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है ना, क्यों पड़ा हुआ है? तो ऐसा करो कि मीडिया आपको देखे, आप ही तो टीवी देखते हो ना, टीवी आप ही देखते हो, आप ही को मीडिया दिखा रहा है, जो आप देखते हो वही मीडिया दिखाएगा ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप देखना बंद कर दो, वो न्यूज़ देखना बंद कर दो, आप बोलो कि भैया हमारा न्यूज़ दिखाओ, नहीं तो हम नहीं देखेंगे आपका चैनल। 2 दिन में मीडिया को होश आ जाएगा, 2 दिन में, 2 दिन में मीडिया को होश आ जाएगा। तो वो तो करोगे नहीं आप, रोड पर उतरोगे, सड़क जलाओगे, डंडा खाओगे, लाठी खाओगे, यही करने के लिए जन्म दिए हैं क्या माँ बाप? हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा गर्व करेंगे आपके माँ बाप कि हाँ मेरा बेटा जा करके वहाँ पर अति कर रहा है, डंडा खा रहा है, हाँ कि बाहर गांव से कोई सरकार आई है, अंग्रेज है कोई का जो अब ये बोल रहे थे भगत सिंह बनना है, तो सुखदेव बनना है, तो राजगुरु, अरे भाई अंग्रेज बाहर से आए थे, हमारे देश पर कब्जा किए बैठे थे, ये तो हमारी सरकार है, हम चुने हैं, तो हम उससे लड़े क्यों, लड़ना क्यों है? बात करना है, उसको एहसास दिलाना है कि हाँ भाई हम तकलीफ में हैं, वो सुनेगी हमारी, हम चुने हैं ना, कोई ज़बरदस्ती आकर के बैठ गया है का? आखिर चीन है जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार जो है डंडा मारेगी और जेल में बंद कर देगी, ऐसा भी तो नहीं है। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए सरकार के खिलाफ, और किसी भी पार्टी का सहारा मत लीजिएगा, मैं ये भी कहते रहा हूँ, किसी भी पार्टी का सहारा मत लीजिएगा, अभी आ जाएंगे आपके फेवर में बोलने, ट्विटर पर ट्रेंड होता हुआ देखेंगे ना आपका हैशटैग और हमारा हैशटैग, आपका क्यों, मेरा भी है, मैं भी ट्वीट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, तो वो ट्रेंड करता हुआ देखेंगे ना, आ जाएंगे ट्विटर पर हैशटैग करके वो भी बोलने के लिए, और कल के डेट में फिर शांत हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई आता है क्या पूछने? वोट लिए बस काम खत्म, 5 साल के लिए सो गए। कुत्ता से भी बढ़ के होता है नेता, कुत्ता से भी ना गिरा हुआ होता है, कुत्ता को भी आप अगर वो चाय बिस्कुट दे दीजिए ना, तो वो भी रात भर मतलब कि आपका रखवाली करता है, और आप सामने जाइएगा ना तो दुम हिलाता रहता है। लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद बस भूल गए, काम खत्म, घोड़ा बेच के सो जाते हैं 5 साल के लिए, और फिर अगला चुनाव में आते हैं सीधा। तो ये तो सब पार्टी का हाल है, केवल बीजेपी और कांग्रेस का और बाकी अति का थोड़ी है, सब तो वही है। इस हमाम में सब नंगे हैं साले, इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई थोड़ा कम नंगा है, कोई ज़्यादा नंगा है, लेकिन नंगा तो सब है, नंगा तो सब है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा भड़का दे और हम जो है बैल की तरह हाँकते हुए चल दें, ऐसा मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। एक छात्र हैं इसलिए हम जानते हैं कि कैसी राजनीति होती है और ये लोग क्या करते हैं। वो ज़माना गया भाई, छात्र राजनीति बहुत किए, लालू यादव किए, नीतीश कुमार किए, आपका रविशंकर प्रसाद जी किए, बहुत लोग किए, ये मुलायम सिंह वगैरह जितने भी हैं सब सब तो छात्र आंदोलन से ही उठ करके खड़ा हुआ है ना। आज के डेट में देख लीजिए, लालू प्रसाद जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, मुलायम सिंह को देख लीजिए कि क्या स्थिति में है, हैं, सब छात्र नेता जो थे, नीतीश कुमार का हालात देख लीजिए कि क्या करवा रहे हैं, वही नीतीश कुमार के खिलाफ ना डंडा लेके खड़ा हो रहे हैं आप आज के डेट में, तो देख लीजिए, ये सब छात्र नेता ही तो थे, छात्रों के आंदोलन से ही तो खड़ा हुए थे, और आज के डेट में देख लीजिए कि उन्हीं के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो जो छात्र आंदोलन से खड़ा हुआ है वही छात्रों की नहीं सुन रहा है, तो आज के डेट में वही होगा फिर।
दूसरा विकल्प तलाशिए, बातचीत से विकल्प तलाशिए। हम भी कोई गांधी समर्थक नहीं है, हम भी भगत सिंह को ही मानते हैं। मेरे रूम में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा भगत सिंह का फ़ोटो, राजगुरु का फ़ोटो, भगत सिंह का फ़ोटो। गांधी जी को हम कभी पसंद भी नहीं किए, ना उनका कोई पॉलिसी हमको पसंद आया। ये सत्य अहिंसा वाला पॉलिसी तो हमको कभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन ये गलत है। आप लोकतंत्र में अपनी सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद करेंगे तो आपकी खुद की संपत्ति बर्बाद होगी। आपको कोई नुकसान ना हो, आपको डंडा ना पड़े, आपका कोई नुकसान ना हो, मतलब एक तो नौकरी नहीं मिली, ऊपर से डंडा भी खाएं, ये कहाँ का बात हुआ भाई। और वो भी कौन करवा रहा है, तो खिलवा रहा है। एको गो टीचर जाएगा क्या आपके बदला डंडा खाने? एको गो टीचर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, लिख लीजिए, कोई नहीं जाएगा। और सीधा कहते हैं कि टीचर से लिखवा लीजिए कि लॉकडाउन के बाद जब कोचिंग खुलेगा तो फी आधा कर देगा, तब आप उसके अथी में जाइए, और नहीं तो मत जाइए। आपसे लाखों रुपया लेके टानेगा और आपको आपके अफी के कंधा पर रख के बंदूक चलाएगा, और आप जो है चलाते रहिए, है ना, सीना आगे लेके खड़े रहिए गोली खाने के लिए और डंडा खाने के लिए, चुत्तर आगे कर दीजिए। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग हमारा विरोध कीजिएगा, आप लोग गाली दीजिएगा, जो करिएगा करिएगा, लेकिन हम एको बात गलत बोले हैं का? दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि एको बात हम गलत बोले होंगे तो कहिएगा, एको बात गलत बोले होंगे तो। और चलना है तो आंदोलन करने हम भी चलेंगे, हमको भी लेके चलिए, जहाँ चलना है वहाँ चलेंगे। हमसे आगे तो आंदोलन के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जितना बोलना है, जो कोटेशन लिखना है वो कोटेशन लिख के देंगे, हम तो कभी भी हैं। और जिसके खिलाफ बोलिएगा उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, लेकिन अपने दिमाग से, अपने दिमाग से, किसी के कहने पर नहीं, बहकावे में आकर के नहीं, अफवाह पर नहीं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं, अपने दिमाग का सुन, अपने दिमाग से सोचकर, अपने दिल का सुनकर तब काम करेंगे, फैसला करेंगे। छात्र हैं आप, जानवर नहीं हैं, ठीक है। चलिए, शाम में एक टीचर हैं, गुरु जी हैं मेरे, उनको मैं पक्का गुरु मानता हूँ, तो उनसे आपकी बात कराऊँगा, वो शायद आपको कुछ समझा पाए। बाकी मेरा तो छात्र हूँ, आप छात्र के दिल की बात जानता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बाकी आपको विरोध करना है, मेरा नहीं बात माननी है, मत मानिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको आकर के बोल दिया। और मैं ये भी नहीं कहता कि हर टीचर गलत होता है, हर टीचर गलत नहीं होता, उनका मुद्दा भी सही है, लेकिन उद्देश्य गलत है, ये बात आप जान लीजिए। उद्देश्य गलत है और तरीका गलत है। जो टीचर उकसा रहे हैं रोड पर उतरने के लिए और धमकी दे रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। छात्रों को आप प्रोत्साहित कीजिए, छात्रों को मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। ये बताइए कि हाँ भाई, केवल सरकारी नौकरी ही रास्ता नहीं है, और भी विकल्प हैं ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी को ख़त्म मत करो, मायूस ना हो। आप रोड पर उतरने के लिए मत भड़काइए और शहर जलाने के लिए मत भड़काइए, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बात माननी हो मानिए, अच्छी लगती हो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती हो कोई बात नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, ठीक है। और किसी के खिलाफ, मोदी जी हो या फिर बीजेपी हो या कोई भी हो, किसी के भी खिलाफ कभी भी अगर आपका तर्क सही लगा और तरीका सही लगा, तो मैं सबसे आगे चलने को तैयार हूँ, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।